ठेकेदारी की कोई पार्टी नहीं होती और घोटाले में सब शामिल होते हैं। एक पार्क में 425 सफाई कर्मी है लेकिन फिर भी पार्क इतने गंदे स्थिति। नमस्कार, आपसे गुजारिश है, यदि आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो नीचे वो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दीजिए। बटन दबा दिया, अब वहाँ एक घंटी दिख रही होगी, घंटी पर क्लिक करिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए। इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, हमारी टीम का हौसला बढ़ेगा और हम अपने काम को और भी ज़्यादा विस्तारित करेंगे। इसके साथ ही जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे वो वीडियो तुरंत आपके मोबाइल फ़ोन तक पहुँच जाएगा। और यदि आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज लोकहित इंडिया को लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, लोकहित इंडिया में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं मुझ कुमार। दोस्तों, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं एशिया के सबसे बड़े हरित उद्यान और सबसे सुंदरतम उद्यान के सामने। ये लखनऊ में है और जनेश्वर मिश्रा पार्क नाम से फेमस है। फिलहाल हम लोग मुख्य द्वार से ना जा करके एक जो दूसरा गेट नंबर 2 है उससे एंटर कर रहे हैं। इसकी एक ख़ास वजह है क्योंकि पिछले कुछ महीने पहले जब मैं यहाँ आया था कुछ चीज़ें मैंने देखी थी जो ठीक नहीं लगी मुझे, तो वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से पिछले 7 सालों में इस बड़े और सुंदरतम पार्क की स्थिति क्या हो गई है। ये पार्क साल 2014 में समाजवादी पार्टी के जो पुराने नेता थे, दिवंगत नेता जनेश्वर मिश्रा, उनके याद में बनाया गया था और उस वक्त उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी की सरकार थी। तो आइए हम पार्क के भीतर चल के आपको कुछ चीज़ें दिखाएंगे। हम यहाँ पर सिर्फ वो नहीं दिखाएंगे जो बाकी लोग दिखाते हैं कैमरे से, ड्रोन कैमरे से लगा के, क्या अच्छा अच्छा है। अच्छा अच्छा दिखाने वाला समय चला गया है, अब ये दिखाना है कि क्या चीज़ें हैं जिनको नज़रअंदाज किया जा रहा है, जो कुछ टूट फूट है। उस समय मैंने यहाँ के गार्ड से बात भी की थी, हालांकि उस समय मैं सिर्फ अपनी फैमिली के साथ घूमने आया था और साल 2014 के बाद भी एक बार आया था। उस वक्त में और इस वक्त में कितना फ़र्क है ये चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगा। और एक बात तो मानने वाली है कि ये पार्क काफ़ी बेहद ही सुंदर है, झूठे यूं ही नहीं इसको एशिया का सबसे सुंदर हरित उद्यान कहा जाता है। आइए हम भीतर चल के आपको दिखाएंगे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पर वर्तमान में लखनऊ विकास प्राधिकरण की नज़र शायद नहीं है और इसके राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं। हमें यह भी समझना पड़ेगा कि कोई भी पार्क या फिर कोई भी ऐसा स्थल जो जनता के लिए बनाया गया हो वो किसी एक खास पार्टी के पैसे से नहीं बनता है और ना ही सिर्फ उनके लिए बनता है, ये आम आदमी के पैसे से बना है। और ज़रूरत है कि छोटी छोटी जो समस्याएं इसमें पैदा हो रही हैं, जो नुकसान हो रहा है, उसको समय पर सुधारा जाए और लोगों को इसका लाभ मिलता रहे। इसकी सुंदरता काफ़ी ज़्यादा है और कहीं ना कहीं ये विदेशों से प्रेरित होकर वहाँ पर जिस तरह के पार्क हुआ करते होंगे होते होंगे उस तरह से इसको बनाया गया है। और एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगा। आज से कुछ महीने पहले जब मैं आया था तो मेरी नज़र बहुत सारी चीज़ों पर गई और ऐसा लगा कि वर्तमान सरकार का ध्यान उस तरफ नहीं है और आपका किसी राजनीतिक दल से विरोध हो सकता है, उनके विचारों से विरोध हो सकता है, लेकिन इन चीज़ों से इतना ऐसा विरोध ठीक नहीं है और इसको नज़रअंदाज करना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सुंदरतम पार्क का हाल पिछले 7 सालों में क्या हो गया है। किसी पार्टी ने भी निर्माण करवाया हो लेकिन ये पब्लिक प्लेस है, पब्लिक के लिए है और स्थिति आप देखिए। अभी बने रहिएगा हमारे साथ, हम लगातार आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे किस तरह से ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में ये सारी चीज़ें हैं। ये मुख्य द्वार से घुसते ही एक चीज़ हमें मिली है और भी हम आपको दिखाएंगे इसमें कितनी टूट फूट है, कितना नुकसान हुआ है, लेकिन लखनऊ विकास प्राधिकरण इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। आप यहीं के रहने वाले हैं? दूर से आए हैं? पहले भी कभी आए थे यहाँ पे? एक बार आए थे। कितने साल पहले? लगभग एक साल पहले। एक साल पहले, तो एक साल पहले में और अब में कुछ अंतर दिख रहा है? टूट फूट ज़्यादा है? ऐसे तो अभी इंची लिया है। अच्छा, अभी आप घूमे नहीं हैं? घूमे नहीं। आइए हम भीतर चल के अब आपको और सारी चीज़ें दिखाते हैं। इसका निर्माण काफ़ी वैज्ञानिक तरीके से किया गया था और बेहतरीन सोच का नमूना है ये। यहाँ पूरे पार्क में आप जहाँ भी जिस भी रास्ते पर जाएंगे स्पीकर लगा हुआ है, म्यूज़िक हमेशा चलता रहता है। अभी फ़िलहाल लग रहा है कि बंद है, हो सकता है वो भी ख़राब हो गया हो, कुछ कहा नहीं जा सकता। चीज़ों की अगर मरम्मत समय पर ना हो तो वो ज़्यादा नुकसानदायक हो जाती है। ये जिस सड़क पर हम लोग हैं ये वॉकिंग के लिए है, मतलब ये जब आप इस पे चलेंगे तो ये हल्का हल्का स्पंज की तरह दबती है। और ये हैं वो लाइट्स और स्पीकर्स,
इसमें कंटिन्यू गाने बजते हैं। यहाँ भी देखिए जो बैठने के लिए चेयर लगाई गई है इसका हत्था टूट गया है, ये तो अभी बहुत अच्छी स्थिति में है। आगे हम आपको दिखाते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। ये देखिए ये जो वॉकिंग के लिए बना हुआ है ये भी टूटने की स्थिति में है। अगर इसका तत्काल इसको रिपेयर कर दिया जाए तो शायद नुकसान कम होगा, लेकिन ध्यान किसी का नहीं है। हो सकता है वर्तमान की सरकार इसमें इसलिए काम ना कर रही हो कि ये किसी और सरकार में बना हुआ है। और चारों तरफ आप देखिए पत्तों से और तमाम चीज़ों से गंदगी बनी हुई है। जितने भी चेयर्स हैं, मुझे लगता है कि अगर 100 चेयर्स होंगी, ज़्यादा ही होंगी, लेकिन 100 में से 60 से 70 के करीब डैमेज हैं। पता नहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण इसको कभी, उसके अधिकारी इसमें आते हैं कि नहीं आते हैं, और आते हैं तो क्या करते हैं, क्या देखते हैं, ये समझ में नहीं आता। ये देखिए यहाँ भी एक चेयर है, देख लीजिए। आपकी अखिलेश यादव से, समाजवादी पार्टी से दुश्मनी हो सकती है, द्वेष हो सकता है, लेकिन ये जो पब्लिक प्लेस है, जो चीज़ें जनता के लिए बनाई गई हैं, जनता के पैसे से बनाई गई हैं, उनका इस तरह से टूट जाना, इनका नुकसान होना, उन पर ध्यान न देना, ये ठीक नहीं। यहाँ भी देखिए एक चेयर लगी थी और ये चेयर अब गायब हो चुकी है, टूट गई होगी, समय पर उसको पेंट पॉलिश नहीं मिला होगा। आप लोग लोकल हैं यहाँ से? लोकल तो नहीं है। हाँ, कहीं बाहर से आए हैं? हाँ, बाहर से आए हैं। पहले भी आप किस पार्क में आते थे? हाँ, पार्क में आते हैं। अच्छा, मतलब जो साल 2014 में जब बना था उस समय भी आए थे आप, 15-16 में आसपास? तब तो वैसे बाहर से विजिट करने आए थे। बाहर से विजिट करने। अभी आपको दिख रहा है कि पार्क में डैमेज बहुत ज़्यादा है। हाँ, वो तो है, है ना। हाँ। नुकसान बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी कुर्सियाँ, जैसे यहाँ भी एक कुर्सी थी, चेयर थी, वो भी टूट गई है। तो लगता नहीं कि इस पर ध्यान देना चाहिए लखनऊ विकास प्राधिकरण? बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, लेकिन सब रंजिश का काम होता है यहाँ पर। अभी एक सरकार काम करती है तो दूसरी सरकार चाहती है। यही बात मैं अभी आपको बता रहा था कि हो सकता है आपकी उस पार्टी से न बनती हो, उनकी विचारधारा से आप विरोध रखते हो, लेकिन ये जो पार्क बना है ये जनता के पैसे से है कि नहीं, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। और सभी को पार्क स्मारक जो कुछ भी बने वो उस चीज़ का, इस बात का ख्याल हमेशा रखा जाना चाहिए कि क्योंकि वो पब्लिक के पैसे से बने हैं, तो उसे चाहे जिसकी सरकार आए। अगर आप चले जाएंगे रिवर फ्रंट देखेंगे तो उसमें जमा हुआ काला गंदा पानी बह रहा है, और जबकि उस पर एक बड़ा सा रिजर्वायर बना है जिस पर सफाई हो सकता है, पानी नहीं साफ किया जा रहा है, तो उस गंदे पानी से शहर को नुकसान हो रहा है। तो किस सरकार ने इसका क्रेडिट लिया या किस सरकार ने बनाया, इससे ऊपर उठ करके, मतलब जिसकी भी सरकार है। भाई साहब, उसी रिवर फ्रंट की बात कर रहे हैं जिसके जाँच के नाम पर पिछले 5 सालों से एक पार्टी विशेष को घेरा जा रहा है, लेकिन 5 साल में न जाँच हो पाई न कुछ रिजल्ट आ पाया। दिलचस्प ये है कि 1.5-2 महीने पहले जब एक बार जांच की टीम आई थी, लगभग 3-3.5 महीने, तो उसमें 2 भाजपा के नेता, 1 कांग्रेस के नेता के यहाँ छापा पड़ गया। तो ठेकेदारी की कोई पार्टी नहीं होती और घोटाले में सब शामिल होते हैं, इसलिए भी समस्या हो गई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहीं कहीं सीतापुर के आसपास के विधायक हैं, मुझे एग्जैक्ट विधानसभा का नाम नहीं याद आ रहा, तो वो उससे भी हो गया और समस्या, मतलब ये तो है ही। अच्छा, लोगों के मन में ये है कि 2 पार्टियों के बीच ये पार्क का नुकसान हो रहा है, जनता का नुकसान हो रहा है। हाँ, 2 पार्टियों के नहीं, 3 पार्टियों का। अगर और आप पीछे जाएंगे तो इसका नाम कांसीराम ग्रीन इको हरित पट्टी था, तो जब इसके जनेश्वर पार्क बनने में, लेकिन यहाँ नाम बदली हुई तो कम से कम कुछ अच्छा किया गया। हाँ, कुछ अच्छा किया गया, जो कुछ ग्रीन इको पट्टी में जो कुछ था उसमें बेहतर लगाया गया, बनाया गया। अब ये इनको भी दीनदयाल उपाध्याय उद्यान कर लेते तो नाम बदल दें, लेकिन स्थिति लेकिन इसे और बेहतर कर लेते तो वो अच्छी राजनीति होती। चलिए तो ये इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि राजनीतिक द्वेष हो या फिर कुछ भी, लेकिन इसमें जनता का और इस पार्क का नुकसान हो रहा है। आप देखिए चारों तरफ ये किस तरह की स्थिति बन चुकी है। कुछ साल पहले जब मैं यहाँ आया था तो ये काफ़ी सुंदर स्थिति में था और आँखें ठहर नहीं रही थी, इतना सुंदर ये पार्क था। लेकिन अभी आप देखिए जिस ट्रैक पर हम चल रहे हैं ये भी जगह जगह टूट रहा है, और यहाँ देखिए नाले का ढक्कन खुला हुआ। यहाँ तमाम गार्ड्स भी हैं, लेकिन पता नहीं वो लोग भी क्या करते हैं, अपने उच्च अधिकारियों को बताते हैं कि नहीं, ये देखिए ट्रक किस तरह से। हो सकता है ये वीडियो लंबी हो जाए, और लंबी हो भी जाए तो आप देखते रहिएगा क्योंकि आगे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बर्दाश्त नहीं होंगी। यहाँ देखिए ये
ये है कूड़ेदान, सूखा कचरा गीला कचरा सही जगह पे डालें। गाड़ी वाला आया घर से कूड़ा निकाल, गाना आप सुने होंगे, लेकिन यहाँ कूड़ेदान ही निकल गया है। इस पार्क की एक और ख़ासियत है, ये इतना बड़ा है कि अगर आप पूरा विज़िट करना चाहें तो मुझे लगता है कि एक दिन में तो नहीं कर पाएंगे। काफ़ी सुंदर स्थिति में था, आज और ज़्यादा ख़राब स्थिति दिख रही है इसकी। गंदगी चारों तरफ है और ये आप देखिए पेड़ों को अभी इसकी काट छाट हो रही है, लेकिन देख के अपने आप में ऐसा लग रहा है कि ये पार्क अब बेहोशी की स्थिति में चला गया है। ये जो जॉइंट्स में घासें हैं, अगर इनको समय पे हटा दिया जाता तो शायद ये मजबूत रहता, लेकिन देखिए आप किस तरह से ईंटें टूट टूट कर बाहर हो रही हैं। नुकसान जनता के पैसे का, जो लाभ उनको मिलना चाहिए था, इतने खूबसूरत पार्क को यहीं बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया गया। देखिए ये यहाँ ये जनता का दोष है, जो लोग आते हैं यहाँ पे उनको सफाई का ध्यान रखना चाहिए। और इस तरह से इतने सुंदर पार्क को गंदगी में, हम भारतीय लोग हैं, भारत के लोग इस काम में बहुत निपुण हैं, जहाँ खाएंगे वहीं आम भाषा में कह दीजिए तो फैला भी देंगे। ये देखिए किस तरह से पत्थर, ये कुछ खुराफाती लोग हो सकते हैं जो निकाल दिए होंगे, या तो इसके निर्माण में ही दिक्कत होगी क्योंकि ये इतनी आसानी से निकलने वाली चीज़ नहीं है। देखिए किस तरह से पत्थरों को निकाल के वहीं छोड़ दिया गया है। और ये जो कभी बहुत ही खूबसूरत स्थिति में था, आज देखिए इसकी स्थिति किस तरह की हो गई है। 3-4 साल पहले, मुझे लगता है कि साल 2016 के आसपास में जब इस पार्क में आया था तो यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कोई पार्क लखनऊ में भी है, और काफ़ी सुंदर स्थिति में था। यहाँ देखिए ये किस तरह से इसको भी तोड़ के इसमें से जो भी इसका था वो निकाल लिया गया है। सारे नाले हैं, जो भी नाले हैं सबके ढक्कन बाहर हैं। ये हो सकता है कि सफाई के लिए निकाला गया हो फिर छोड़ दिया गया है। देखिए कूड़े कचरे से जाम, और जो भी रास्ता है पैदल चलने के लिए पत्थर ज़्यादातर टूटने लगे हैं। गंदगी चरम सीमा पे है, देखिए हर कोने पे आपको दिखेगी, इसी तरह से लगा के छोड़ दिया गया है। कूड़ा कहीं भी मिल जाए, तमाम कूड़ेदान और सारी चीज़ें लगाने के बाद भी लोगों को जगह पे कूड़ा फेंकने में दिक्कत होती है। सबसे ज़्यादा टूट फूट यहाँ अगर किसी चीज़ की हुई है तो वो है पेड़ों की। बहुत ज़्यादा पेड़ सूख चुके हैं, और इसके साथ ही जो चेयर्स लगी हैं, लकड़ी की जो चेयर्स बनाई गई थी बैठने के लिए, वो सब टूट चुकी है। हालांकि खुले में अगर कुर्सियाँ लगानी हो, चेयर्स लगानी हो, तो लकड़ी की नहीं होनी चाहिए, पत्थर वगैरह की होती तो शायद टूटती नहीं। लेकिन यहाँ भी देखिए, यहाँ बीच में यहाँ लगा दिया गया है स्टंप खेलने के लिए। आगे वहाँ एक चेयर देखेंगे आप, उसका भी हत्था टूट चुका है। और इधर भी रास्तों पर जो भी पत्थर लगाए गए हैं, ज़्यादातर ये चेयर भी आप देखिए टूटने की स्थिति में है। अगर यहाँ पे एक दो लोग बैठ जाएं तो टूट के गिर जाएगा। और गंदगी, शायद सफाईकर्मी भी यहाँ हद से ज़्यादा लापरवाह है कि गंदगी हर जगह है। ये चेयर भी टूट चुकी है। आगे हम बच्चों का जो खेल का मैदान बना हुआ है, छोटे बच्चों के लिए झूला वगैरह लगा है, वहाँ चल के दिखाते हैं कि वहाँ क्या स्थिति है, किस तरह की टूट फूट वहाँ मची हुई है। मैंने पहले ही आपको बताया था कि कुछ महीने पहले जब मैं यहाँ आया था तो बहुत सारी चीज़ों को मैंने चिन्हित किया था। अब बहुत सारी चीज़ें दिमाग से निकल रही हैं, क्या चीज़ कहाँ पे थी। और यहाँ देखिए आप सड़क लगातार टूटी हुई, उधर वो आप देखिए रोड भी, उसका भी वही हाल। हो सकता है आप में से बहुत लोगों को ये लगे कि ये तो आम बात है टूटना फूटना, लेकिन ये आम बात नहीं है, ये आम आदमी के पैसे से बना है और इसकी देख रेख होनी चाहिए। देख रेख भी आम आदमी के पैसे से ही होती है, वो किसी के नेता के बचत खाते से नहीं आता है।
आइए अब आगे आपको दिखाते हैं जो पार्क बना हुआ है बच्चों के लिए, उसकी स्थिति क्या है। यहाँ भी देखिए कोने में, और ये लोगों की गलती है जो लोग यहाँ आते हैं इस तरह से कूड़ा फैला के चले जाते हैं। उधर देखिए मिठाई का डब्बा क्यारी में जहाँ पौधे लगाए गए हैं वहाँ फेंक दिया गया है। ये इंडिया की पब्लिक है, इसको सुधारने में भी अभी समय लगेगा। अधिकारी नेता समझते हैं कि जब पब्लिक नहीं सुधर रही तो हम क्यों सुधरें। किसको कौन सुधार सकता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल इस पार्क को सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये जितना सुंदर हुआ करता था एक समय में, अब इसकी सुंदरता बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है। और बड़ी अपने आप मुझे देखकर तरस आ रहा है कि इतने सुंदर पार्क की स्थिति आज ऐसी हो चुकी है। यहाँ देखिए सामने नीला डब्बा, हरा डब्बा, काला डब्बा सब लगा हुआ है, लेकिन कूड़ा सब बाहर है। अगर इसको समय पर निकाल दिया होता तो ये कुत्ते बाहर न। देखिए किस तरह से ये कूड़ा कचरा, यहाँ तमाम झूले लगे हैं बच्चों के लिए, यहाँ पर लोग फिजिकल एक्सरसाइज भी करते हैं। अब देखिए यहाँ चारों तरफ, और ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि ध्यान नहीं दिया जा रहा है इस पर। जिस तरह से काम होना चाहिए, इसकी देखरेख की जानी चाहिए, टूट फूट को सुधारना चाहिए, वो सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं। क्यों यहाँ सफाई कर्मी नहीं आते हैं क्या? लगे हैं तो क्या करते हैं वो लोग? क्या देखी है सामने भैया? मैं देख रहा हूँ जहाँ से हम आए हैं वहाँ से लगातार कूड़ा कचरा दिख रहा है, इधर भी देखिए फैला हुआ है। वो तो मतलब ये कुत्ते फैला देते हैं, और ये जो आते हैं वो डब्बे में रहता है तब फैला देता है ना पैर से। डब्बे में छोड़ देंगे तो कुत्ते उसको गिरा देंगे, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी इन लोगों की है। तो वो लोग काम नहीं कर रहे हैं इसका मतलब? अब क्या बताएं। अच्छा, जो टूट फूट हुई है चारों तरफ जी, कुर्सियों में और ये सड़कों में, इन सब पर आपका लखनऊ विकास प्राधिकरण कुछ करता नहीं है? मैं कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। जब से बना है साल 2014 से, तब से कोई काम कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। साल 2015-16 के आसपास मैं यहाँ आया था, और देख के आंखें खुल गई थी कि इतना सुंदर पार्क हमारे प्रदेश में है, लेकिन आज देख के मुझे शर्म आ रही है कि उस सुंदर पार्क की स्थिति इतनी बेशर्म हो चुकी है। और बेशर्म ये पार्क नहीं हो चुका है, बेशर्म हो चुकी है सरकार, जो राजनीतिक द्वेष के कारण, राजनीतिक द्वेष ही इसको कहा जाएगा, बेशक इसका निर्माण और इसका सुंदरीकरण समाजवादी पार्टी ने कराया था, उनके नेता के नाम पर ये पार्क है, लेकिन ये पार्क किसी के दादा का तो है नहीं, ये पार्क तो जनता का है ना। तो जनता के लिए आपको भी काम करना चाहिए, इसका सुंदरीकरण बनाए रखना चाहिए, साफ़ सफाई पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ देखिए किस तरह से कूड़ा कचरा चारों तरफ, जब से हम आ रहे हैं तब से आपको दिखा रहे हैं लगातार। और जो भी स्पीकर्स लगाए, ये भी चेयर जिस पे ये लोग बैठे थे, देखिए ये भी टूटने की स्थिति में है। ये टूटी है सर? अच्छा, टूटी है, टूटी रखी है। अच्छा, टूटी रखी है, टूटी रखी है, इसमें कोई वो नहीं है। अगर ये देखा जाए तो अच्छी तरह से, तो ये देखो सारी चेयर, ये देखो अलग रखी है, ये देखो। अच्छा, वाह क्या बात है, ये डिजिटल इंडिया है। देखिए थोड़ा सा दिखा दीजिए इसको ये। अच्छा, झूले वगैरह भी टूट चुके हैं क्या? दिखाइए कौन कौन से झूले टूटे हैं। देखिए ये वो सब पत्थर टूटे पड़े हैं, इसमें कोई मरम्मत नहीं है, और ये सब पड़े हैं, ये पत्थर जो निकल के अभी यहाँ पड़े हैं, अगर इनको समय पे चिपका दिया जाए, चिपका दिया जाए तो कम खर्चे में और सारी चीजें हो जाए, कम लागत में सारा काम हो जाएगा। ये सब पड़ी हैं, देखो सब। अच्छा, ये अपने से निकल गया, किसी ने खुराफात किया है? जैसे की मान लिया आदमी चलते हैं और इसमें सीमेंट कम, ज्वाइंट अच्छे से नहीं था, ज्वाइंट अच्छे से नहीं था, ये बात भी सही है। ये देखिए मसाला सिर्फ बीच में ही लगा है, इसकी वजह से छूट गया है। अगर कायदे से इसको जोड़ा गया होता तो छूटता भी नहीं। ये जिन लोगों ने निर्माण कराया था, किया था, उनको भी ध्यान देना चाहिए, उनका भी दोष है इसमें, क्योंकि पत्थर इतनी आसानी से निकलने वाली चीज़ नहीं है। झूले कौन कौन से टूटे हुए हैं? देखिए, और कितनी गंदगी है यहाँ पर, लोग गुटखा खाकर, और एक से एक गंदे लोग हैं। देखिए 425 सफाई कर्मी है, 425 जी हाँ, उसमें से थोड़े ट्रांसफर हो गए हैं और बाकी तो सब हैं, लेकिन जब काम नहीं करना चाहते हैं, कौन 8 घंटा काम करता है, 2 घंटे, आधा घंटे, 1.5 घंटे, 425 सफाई कर्मी है? जी हाँ, क्या बात है, एक पार्क में 425 सफाई कर्मी है, लेकिन फिर भी पार्क इतनी गंदी स्थिति में। ये देखिए ये टूटे हुए झूले। यहाँ एक बात सोचने वाली है कि एक था जो बना के चला गया, और एक है जो उसको रिपेयर भी नहीं करवा पा रहा है। ये देखिए झूलों की स्थिति, शर्म आती है। देखिए ये देखिए पत्थर पूरे टूटे हुए, अभी सफाई हो रही है यहाँ जोरों पे। तो आप कहाँ, लखनऊ की रहने वाली हैं जी?
कितने साल से यहाँ पे काम कर रही हैं? हम तो वो अम्बेडकर पार्क से आए हुए हैं। अम्बेडकर पार्क से आए हैं, वहाँ जरूरत नहीं थी क्या सफाई की? नहीं, वहाँ से ट्रांसफर होके यहाँ हम लोग आए। अच्छा। हम लोग सरकारी है ना? सरकारी है तो यहाँ सफाई आप लोग करते नहीं क्या समय से? करते हैं। तो फिर इतनी गंदगी क्यों? कल संडे था। कल, अच्छा संडे को छुट्टी थी। कल संडे था इसलिए पूरा, मतलब पूरा पार्क इसलिए गंदा हो गया है। अब संडे का तो हम लोग की छुट्टी, आप लोगों की छुट्टी होती है। प्राइवेट वाले रहते हैं। प्राइवेट वाले रहते हैं, मगर फिर भी एक दिन में ये गंदगी संभव नहीं है जिस तरह से गंदगी हुई है। और तो हम लोग कर ही के गए हैं। शनिवार को पूरा पार्क साफ करके गए थे। हाँ, बहुत कर्मचारी है, एक दो थोड़ी ना है, बहुत है, इसलिए इसीलिए साफ भी नहीं हो रहा है क्योंकि किसी की जिम्मेदारी तय नहीं हो पा रही है। हाँ, बच्चों के लिए वो ये देखिए यहाँ चारों तरफ गंदगी। अच्छा, आप लोग लाठी लेके लोगों को डराते नहीं है कि यहाँ गंदगी मत फैलाइए? सर कहा जाता है, सुनते नहीं है लोग, मगर फिर भी नहीं सुनते हैं, वो उल्टा ही क्लेम लगाते हैं। क्या है सर, गार्ड माने कुछ नहीं, वो खुद अंग्रेजी से बात करेंगे, कहेंगे तुम क्या हो। अरे जब झूले पर तो नहीं उतरे आवत है, लड़ाई हो जाता है। जब मना किया जाता बड़े बड़े को भी झूले पर से उतर जाइए, आप कहते हैं आप क्यों झूले लगवाए। ये भी देखिए, ये सारे झूले बच्चों के लिए लगे हैं और इस पे बच्चों के पप्पा भी झूलने लगते हैं, पप्पा के साथ मम्मा भी झूलती होंगी। ये देखिए, ये देखिए कितना कितनी कितना सुंदर ये रहा होगा जब लगा था, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा था ना। और अभी इसकी स्थिति देखिए किस स्थिति में है, ये चारों तरफ से टूट फूट के अलग हो चुका है। समय पे अगर इसका रिपेयर हो गया होता तो कम खर्चे में बन गया होता, लेकिन अब उसको शायद बदलना ही पड़ेगा। देखिए यहाँ कितने सुंदर सुंदर झूले लगाए गए थे। सरकार का काम यही होता है कि जनता के लिए, सुख सुविधाओं के लिए जो भी काम हो उसको करे, वो कोई एहसान नहीं करते हैं अगर कुछ कर रहे हैं तो। जिसने भी बनाया सरकार, ये सरकार आई तभी बनी है। मतलब जब गवर्नमेंट दूसरी आएगी तभी बनेगी। अच्छा, मतलब इनसे उम्मीद नहीं है। अब क्या उम्मीद होगी, पाँच साल, पाँच साल में तो, पाँच साल में क्या देखो, इनकी सब धज्जियाँ उड़ गई। ये देखिए बच्चे चढ़ते हैं तार, गजब की बेशर्मी है, इतनी बेशर्मी तो ठीक नहीं है। ये देखिए पाँच साल में कोई काम नहीं नया किया इसमें। नया करना तो छोड़िए, रिपेयर तक नहीं हुआ, रिपेयर भी नहीं करवाए थे। यहाँ भी कोई झूला था क्या, गायब हो चुका है? नहीं सर, झूला यहाँ नहीं थे। ये क्या बना हुआ है चैम्बर, किस चीज़ का? ये चैम्बर किस चीज़ का है? झूले का सर, कुछ झूला ही था यहाँ पे लेकिन झूला गायब हो चुका है ना। यहाँ भी देखिए एक झूला था, और जितने भी झूले हैं कोई भी अच्छी स्थिति में नहीं है। आप किसी को भी देख लीजिए, सिर्फ एक यही एक ऐसा बचा है झूला जो शुद्ध है। अच्छा, बस यही एक ठीक बचा है। हाँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा तामझाम है भी नहीं। नहीं, इसमें झूलने लगते हैं तो फंस जाते हैं ना, तो इसलिए इसमें कम लोग झूलने आते हैं। अच्छा, बड़े लोग नहीं झूलते। और ऐसे तो जैसे वो खाली हैं ऐसे सीधे सीधे, तुम आप चाहे जितना। अच्छा, आप लोगों को पेमेंट वगैरह समय से मिल जाती है? हाँ, ठेकेदार से हैं हम लोग। लेकिन अच्छा, पौधे भी बहुत सारे सूखे हैं। जी हाँ, पौधे भी सूखे हैं, मतलब उनकी सिंचाई समय से नहीं हो रही है, देख रेख नहीं हो रही है ना। घास सूख रही है, अब देख रहे हो आप? जी, घास बहुत बढ़िया है। मुझे, मैं सोच रहा था कि आखिर मैं इस पार्क में क्या बहुत बड़ी कमी देख रहा हूँ। ये देखो कृषि लगी है, उधर कृषि लगी है, सब है पाइप, लेकिन जब घास सींचने वाले सिंचाई नहीं हो रही थी। मैं बहुत देर से सोच रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो छूट रही है, जो मेरे ध्यान में नहीं है। ये जमीन कभी हरी हुई हुआ करती थी घास, अरे इसमें ये पूरी हरी थी। देखिए, जब मैं पिछली बार आया था तो पुराने थे पहले वाले, उनका नाम तो हमें समय याद नहीं आ रहा, प्रवीण शायद नाम था। वो जो है घास सिंचवा करके घास में जो है मतलब खाद भी डलवाते थे और फिर घास की कटाई होती थी कभी, लेकिन बीच में जब ठेका बदल गया तब ये हालत ऐसी है। मैं पिछली बार, मैं खुद इस बात को प्रमाणित करता हूँ कि मैं जब आया था तो ये ज़मीन पूरी तरह से हरी थी और गजब की सुंदर लग रही थी। यहाँ पे ये तमाम झूले, ये भी उस समय रंगीन हुआ करते थे, आजकल सबका रंग उतर चुका है। अगर इन लकड़ियों पे समय पर पेंट लगता तो ये कई साल टिक कर चलती, पॉलिश होता तो और ज़्यादा चलती, लेकिन करेगा कौन, क्योंकि बनाया तो किसी और ने है। और ये राजनीतिक द्वेष ऐसा है कि अगर वो बनाए हैं तो हम उसको नहीं देखेंगे, और इन्होंने तो कुछ भी नहीं देखा, ये बोलने में भी कोई गुरेज नहीं है, गजब की बेशर्मी है। आप लखनऊ के रहने वाले हैं, बाहर से आए हैं, बाराबंकी से? पहले भी आए थे यहाँ पे आप? पहली बार आए? कैसा लग रहा है पार्क? गंदा है ना? गंदा है, अब सारी चीज़ें टूटी फूटी भी हैं जी। शर्म आ रही है कि शर्म आ रही है? पहले शायद अगर आप आए होते
और अब आते हैं तो ज़्यादा शर्माती, पहली बार आए हैं इसलिए आपको पता नहीं है कि पहले कैसा था। तो आप देखिए चारों तरफ गंदगी है, सफाई कर्मी का कहना है कि शनिवार को साफ करके गए थे, एक दिन में इतना गंदा हो जाएगा पूरा समूचा पार्क, ये संभव नहीं है। और झूलों की जीर्ण शीर्ण स्थिति, और ये देखिए जो ट्रैक बनाए गए हैं, जितने पत्थर हैं कोई भी ट्रैक सही नहीं बचा हुआ है। ये देखिए ये सारे पत्थर निकल के बाहर हैं। इधर भी देखिए इस कोने पे, बहुत बड़ा पार्क है ये, कितना दिखाया जाए कहाँ कहाँ दिखाएंगे। 376 एकड़ में बताइए, और किधर पूरा दिखाना संभव नहीं है और आप देख भी नहीं पाएंगे। चार पाँच किलोमीटर यहाँ से, 1-1.5 किलोमीटर होगा। हाँ तो बहुत बड़ा पार्क है और सब कुछ हम घूम के दिखा नहीं पाएंगे और आप देख नहीं पाएंगे, लेकिन सवाल बस इतना है कि पिछले 5 सालों में बीजेपी की सरकार ने इस पार्क से ऐसी कौन सी दुश्मनी निकाली है कि इसकी ऐसी स्थिति हो गई है। ये पार्क जनता के लिए बना था, जनता के पैसे से बना था, लेकिन इतना द्वेष, राजनीतिक द्वेष, कि इस पर किसी की नज़र ही नहीं गई। ये बताया जाता है कि एशिया का सबसे सुंदर हरित पार्क है और सबसे बड़ा भी है। सबसे बड़े पार्क को ऐसी स्थिति में लाने के लिए जिम्मेदार यदि कोई है तो वर्तमान की उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार है। इसके लिए उनको पूरी तरह से फेल माना जाएगा और दोषी भी माना जाएगा कि करोड़ों रुपया जो इसमें खर्च किया गया तो वो जनता का था और आपने उसको इस तरह से बर्बाद होने दिया और अभी भी बर्बाद होने जा रहा है। यहाँ पर जो गार्ड्स हैं इन्होंने खुद कहा है कि अब इनसे कोई उम्मीद नहीं है, अब सरकार बदलेगी तभी कुछ सुधार होगा। यहाँ देखिए इस तरह की गाड़ियाँ चलती हैं इस पार्क में, और ये बैटरी संचालित है ना, हाँ सरकारी गाड़ियाँ हैं। और इस तरह से पार्क इतना बड़ा है कि पैदल आप नहीं घूम सकते, तो लोग गाड़ियों का सहारा लेते हैं। हम पूरा 300 रुपये लेते हैं पूरा पार्क घूमने का, पूरा पार्क घूमने का 300 रुपये लेते हैं। हम भी जब फैमिली के साथ आए थे तो घूमा था हमने, इसीलिए हमें सब कुछ याद है कि उस समय कितना सुंदर था और आज इसकी स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है। ये देखिए एक वक्त में पूरा हरा हरा हुआ करता था, और कहाँ पानी नहीं आ रहा ना, पानी नहीं चलाते हैं तो घास सूख गए और घास सब सूख ही जा रही है, ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे। तो बनाना तो दूर है, बाबा जी इस पार्क की देख रेख भी नहीं कर सके, यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पे रहते हैं। कभी आए कि नहीं? नहीं कभी नहीं आए। कभी नहीं आए ना, पार्क के अंदर पैर नहीं रखा। हाँ पार्क के अंदर पैर क्यों रखेंगे कि दूसरी सरकार बनाई है ना, पैर क्यों रखेंगे। ये एक द्वेष है और ये ठीक नहीं है। इसके बगल में ही बहन जी ने कुछ पार्क बनाए थे पत्थरों के, हालांकि वहाँ पेड़ पौधे नहीं है, अंबेडकर पार्क है और भी है ना, कांसीराम पार्क है जी। तो उन पार्क में भी स्थिति बहुत ठीक नहीं है। वो भी जब पार्क बने थे उस समय मायावती की सरकार इन चीज़ों पर चली गई थी कि सारा पत्थर लगवा दिया, करोड़ों रुपया फूंक दिया। हालांकि यदि यहाँ मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर लखनऊ से 2 सरकारों के निर्माण हटा दिए जाएँ, बहुजन समाज पार्टी के और समाजवादी पार्टी के, तो लखनऊ में कुछ बचेगा नहीं, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं है और कुछ नहीं है। इन्होंने 5 साल में कोई निर्माण नहीं किया, कुछ नहीं किया है ना, ये हकीकत है। आप पेपर्स पे जाके देख लीजिए या फिर खुद लखनऊ में आके देख लीजिए और लोगों से पूछ लीजिए। इन 2 सरकारों का काम अगर हटा दिया जाए तो लखनऊ में और कुछ नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए। और जो बना भी दिया है पिछली सरकारों ने उसकी भी स्थिति इतनी ख़राब हो गई है कि देखकर शर्म आती है। इस वीडियो को देखकर आपको क्या महसूस होता है, क्या लखनऊ विकास प्राधिकरण को इस पर ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ये आप खुद अंदाज़ा लगाइए। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जनता के पैसे से बना ये पार्क जनता के लिए सुंदर बना रहे और दुनिया भर में लोग इसको देखें, जानें, समझें कि उत्तर प्रदेश में और क्या क्या है। आजकल एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है यूपी में काबा, तो यूपी में यही बात देख लें, यूपी में यह बात कि पहले ये पार्क की ज़मीन एकदम हरियर रहे और अभी ज़मीन पियर हो गई है, कहा कि पानी ना मिला था। तो ये है यूपी में भैया, देख ला। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।